गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू हिंदी ग्रामर वीडियो। चैप्टर 5 हमारा चल रहा है और चैप्टर 5 में हम चर्चा कर रहे हैं समास की। आज के वीडियो में हम समास के भेदों के ऊपर चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में हमने समास का एक भेद सीख लिया था, वो कौन सा था? अव्ययी भाव समास। एक बार रिविज़न कर लेते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। नाम तो आपको याद हो ही गए होंगे। देखिए कौन कौन से: अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीही समास और तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास हमने पढ़ लिया है। आज हम 2 समास पढ़ेंगे, कर्मधारय और द्विगु समास, और उसके बाद आगे के समास। तो अव्ययी भाव समास में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें जो पहला पद होगा वो अव्यय होगा, या बोल सकते हैं क्या होगा, उपसर्ग होगा, और जो दूसरा पद होगा वो संज्ञा होगी। ठीक, समास में हमेशा 2 पद होते हैं, तो पहले पद में क्या होगा? पहला पद अव्यय उपसर्ग होगा और दूसरा पद क्या होगा बच्चों? दूसरा पद जो है वो संज्ञा होगी। और इन दोनों के मिलने से जो समस्त पद बनेगा, जो सामासिक पद बनेगा, उसमें कौन सा समास होगा? उसमें अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आज कर्मधारय समास की और द्विगु समास की। कर्मधारय समास में जो पहला पद होता है वो क्या होता है? वो विशेषण होता है। वो क्या होता है? विशेषण होता है। और जो दूसरा पद होता है वो क्या होती है? वो संज्ञा होती है। ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है? जो पहला पद होता है वो भी विशेषण होता है और जो दूसरा पद होता है वो संज्ञा होती है। मतलब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दोनों तो हमने सेम बता दिए हैं। कर्मधारय समास में भी पहला पद विशेषण और संज्ञा, और द्विगु समास में भी पहला पद विशेषण और संज्ञा होती है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? आइए इसको समझने के लिए वीडियो को आगे देखते हैं। देखिए, कर्मधारय समास में क्या होगा? पहला पद होगा और उसके साथ में क्या होगा? दूसरा पद होगा। पहला पद होगा और उसके साथ में क्या होगा? दूसरा पद होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पहला पद होगा वो क्या होगा? वो विशेषण होगा, और जो दूसरा पद होगा वो क्या होगा? वो संज्ञा होगी। ठीक है, इसको हम और भी नामों से जानते हैं और उसके दूसरे नाम भी होते हैं। देखिए, विशेषण को तो हम विशेषण ही कहते हैं, संज्ञा को लेकिन हम विशेष्य कहते हैं, तो कहीं कहीं पर आपको विशेषण और विशेष्य भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, एक और इसका नाम होता है, और वो एक और नाम क्या होता है? देखिए, विशेषण को हम एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है उपमान, है ना, और संज्ञा को हम एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है उपमेय। तो तीनों नामों में से कोई भी नाम आपको कहा जा सकता है कि पहला पद विशेषण या संज्ञा होगा, पहला पद विशेषण या संज्ञा होगा, दूसरा पद विशेषण प्लस संज्ञा होगा, या विशेषण प्लस विशेष्य होगा, या उपमान प्लस उपमेय होगा। ठीक, पहला पद विशेषण या उपमान दो नाम आ सकते हैं, और दूसरे पद में संज्ञा, विशेष्य या उपमेय 3 नाम आ सकते हैं। मतलब वही है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा, पहली बात। दूसरी बात, कर्मधारय समास में क्या होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है। जैसे अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान था, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान था? पहला पद प्रधान था। कर्मधारय समास में क्या होगा? जो दूसरा पद होगा, जो द्वितीय पद होगा, वो प्रधान होगा। प्रधान होने का मतलब क्या है? कि वो फिक्स होगा। ठीक, उसमें क्या होगा? नो चेंज, यानी कि हम विशेषण बदल सकते हैं अलग अलग विशेषणों के साथ, एक ही संज्ञा पर कई सारे शब्दों को बनाया जा सकता है। द्वितीय पद प्रधान का मतलब द्वितीय पद फिक्स है, उसको चेंज नहीं करना है। चेंज केवल कौन सा पद होना है? चेंज केवल पहला पद होना है। जैसे अव्ययी भाव समास में क्या किया था? जो पहला पद था वो प्रधान था, मतलब उसको फिक्स कर दिया था, उपसर्ग को फिक्स कर दिया था, उसके साथ हमें नई नई संज्ञाएं लगानी थी। यहाँ पे क्या किया हमने? यहाँ पे हमने संज्ञा को फिक्स कर दिया, उसके साथ हमको नए नए विशेषण लगाने हैं।
ठीक है। तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा। सेम मैंने आपको द्विगु समास में भी बताया, तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है इस बात को देखिए। देखिए जब हम बात कर रहे हैं कि हमको विशेषण के साथ संज्ञा लगानी है ना, क्या लगानी है, विशेषण के साथ संज्ञा लगानी है, तो इसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। और आप जानते ही हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आपको पता है कौन कौन से विशेषण होते हैं। आप जानते हैं एक विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण, है ना, एक विशेषण होता है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। एक होता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। एक होता है संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। और लास्ट होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा? व्यक्तिवाचक विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आपके सामने नाम है, पढ़िए आप इन्हें। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। अब इसमें हमें क्या करना है, हमको ये जो विशेषण है संख्यावाचक, इसमें क्या होता है, इसमें संख्या बताई जाती है, मालूम है ना, जैसे आपको 1, 2, 3, 4 इस तरह से इसमें संख्याएं चलती हैं। गुणवाचक विशेषण में क्या चलता है? गुणवाचक विशेषण में रंग चलता है, ठीक है, आकार चलता है, ठीक, और दशा चलती है, ठीक, गुण चलता है, दोष चलता है, ये सारे गुणवाचक विशेषण में चलते हैं। इसके अलावा परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण 4 होते हैं, यह वह और ये वो, है ना। व्यक्तिवाचक विशेषण जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? सर्वनाम से, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक, ठीक, सर्वनाम से बने होते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण जो होते हैं। नहीं, ऐसे संज्ञा से बने होते हैं, जैसे कि बनारसी, है ना, मराठी, ये सब आपने पढ़े हुए हैं, ये आपके व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। तो आपको क्या करना है, आपको गुणवाचक विशेषण लेना है, परिमाणवाचक विशेषण लेना है, संकेतवाचक विशेषण लेना है और व्यक्तिवाचक विशेषण लेना है, यानी कि ये 4 लेने हैं। किसको छोड़ देना है? जो दूसरे नंबर का विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, उसको छोड़ देना है। तो अगर हम कर्मधारय समास की बात करें तो कर्मधारय समास में विशेषण का जोड़ है, जो मेल है, वो संज्ञा के साथ किया जाएगा। और कौन से विशेषण का? केवल 4 विशेषण का, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक, यानी कि संख्यावाचक को छोड़ देना है। तो अगर हम इसकी 2 कैटेगरी बनाएं, ठीक, 2 कैटेगरी बनाएं, तो 2 कैटेगरी ऐसे बनती हैं, संख्यावाचक और दूसरी बनती है गैर संख्यावाचक, संख्यावाचक और गैर संख्यावाचक। तो संख्यावाचक में तो सारे संख्यावाचक विशेषण आ जाएंगे, और गैर संख्यावाचक में जो 4 विशेषण बचते हैं वो सारे के सारे गैर संख्यावाचक में आ जाएंगे। तो बोल सकते हैं कि जो संख्यावाचक विशेषण है वो किसमें आता है? वो द्विगु समास में आता है। वो किसमें आता है? वो द्विगु समास में आता है। और जो गैर संख्यावाचक विशेषण है वो किसमें आता है? वो कर्मधारय समास में आता है। ये ही दोनों में मेन डिफरेंस है, ठीक है। जो संख्यावाचक विशेषण है वो द्विगु समास में आता है। वो कौन से समास में आता है? वो द्विगु समास में आता है। और जो गैर संख्यावाचक विशेषण हुए 4, वो कर्मधारय समास में आते हैं। तो जब हम कर्मधारय समास की बात कर रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि 2 पद होंगे, जिसमें पहला पद होगा विशेषण और दूसरा पद होगा संज्ञा, तो जो विशेषण होंगे वो कौन से होंगे? वो 5 में से 4 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होंगे। और द्विगु समास में जब हम बात कर रहे हैं कि विशेषण और उसके साथ में कौन, क्या, उसके साथ में संज्ञा, तो जो विशेषण होगा वो एक ही प्रकार का होगा। कौन सा? संख्यावाचक। इतनी बात क्लियर है आपको? चलिए अब आगे की बात करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम कर्मधारय समास की परिभाषा को आपकी बुक से एक बार पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, कर्मधारय समास की परिभाषा हमसे ये कहती है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद, नाम कुछ भी हो सकता है, बात वही है, पहला पद और दूसरा पद दोनों में विशेषण विशेष, बताया था मैंने आपको, पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा,
या उपमान या उपमेय, ये भी बताया था कि विशेषण को उपमान कहते हैं और संज्ञा को उपमेय कहते हैं, इनका अगर संबंध हो तो वह समास कर्मधारय समास कहलाता है। सीधी सी बात है कि पहला पद जो है वो विशेषण होना चाहिए और जो दूसरा पद है वो संज्ञा होनी चाहिए, तो आप आँख बंद करके उसको कर्मधारय समास लिख सकते हैं। जैसे शब्द है नीलकमल, ठीक है, इसमें जो पहला पद है वो है नीला और जो दूसरा पद है वो है कमल, तो नीलकमल शब्द जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब नीला गुणवाचक विशेषण है और कमल संज्ञा है, तो इस नीलकमल शब्द का विग्रह हुआ नीला है जो कमल, यानी कि ऐसा कमल जो नीला है उसे नीलकमल बोलेंगे, और जो नीलकमल शब्द है वो एक सामासिक शब्द है और वो कौन से समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऐसा ही एक उदाहरण यहाँ पर भी है, महादेव, महान देव, पहला शब्द है महान और दूसरा शब्द है देव, यानी कि महान है जो देव, जो देव महान है उसे महादेव बोलेंगे। तो पहला शब्द विशेषण हुआ महान गुणवाचक विशेषण और दूसरा शब्द देव हुआ। इसी तरह से हम लिख सकते हैं महाकवि, महान है जो कवि। उपर्युक्त दोनों पदों में क्रमशः नील तथा महा शब्द जो है वो पूर्व पद है यानी कि पहले पद है, और जो क्रमशः उत्तर पद हैं वो कौन से हैं, कमल हैं और देव हैं, और ये दोनों शब्द जो पहले वाले शब्द हैं वो कमल और देव की विशेषता बता रहे हैं। तो कर्मधारय समास में समस्त पदों का विग्रह करते समय रूपी, समान, जो आदि तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब हम विग्रह करते हैं तो हम इस तरह से, जैसे इसमें है जो शब्द लगा हुआ है, इसमें है जो शब्द लगा हुआ है, इसी तरह से रूपी शब्द लगाते हैं या समान शब्द लगाते हैं या जो शब्द लगाते हैं, वो उसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम उनका विग्रह करते हैं। जैसे कुछ और उदाहरण देखते हैं, मृग नयन, मृग नयन, तो पहला पद क्या है, मृग, ठीक, और दूसरा पद क्या है, नयन, तो मृग मीन्स क्या होता है, हिरण, हिरण के समान नयन, तो यहाँ पर मृग का जो इस्तेमाल है वो एक विशेषण की तरह किया जा रहा है, ठीक है, तो हिरण के समान नयनों वाले को क्या बोलते हैं, मृग नयन। चंद्रमुख, यानी कि चंद्र के समान मुख वाले को बोलते हैं चंद्रमुख। वचनामृत, वचन अमृत, यानी कि वचन रूपी अमृत। पीतांबर, यानी पीत और अंबर, पीत मीन्स पीला, पीला है जो अंबर, यानी कि पीला है जो वस्त्र, उसे पीतांबर बोलेंगे। और वैसे ये भगवान किसके लिए प्रयोग किया जाता है, विष्णु के लिए भी प्रयोग किया जाता है, कृष्ण के लिए भी प्रयोग किया जाता है ना, तो वहाँ पर ये कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास भी होता है, लेकिन यहाँ पर वस्त्र के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो इसलिए ये कर्मधारय समास है। विद्याधन, विद्याधन यानी कि विद्या रूपी धन। भला मानस, तो भला मानस यानी कि भला है जो मानस। नील गाय, नीली है जो गाय। एक बात मैं आपको और समझा दूं, देखिए यहाँ पर जो भला है, जो नील है, ये तो विशेषण है, पील विशेषण है, ठीक, लेकिन आप देख रहे होंगे मृग आपको संज्ञा लग रहा है, चंद्र आपको संज्ञा लग रहा है, विद्या आपको संज्ञा लग रहा है, ठीक है, और नयन, मुख, अमृत, अंबर, धन, मानस, गाय, ये सब तो संज्ञा है ही। तो यहाँ एक बात नोटिस करने की है, वो और हम बताएंगे आपको। समास में क्या होता है, जैसे देखिए कर्मधारय समास की अगर हमने बात की है ना, तो कर्मधारय समास में हमने आपको क्या समझाया कि पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होती है। आमतौर पर तो ऐसा ही होता है, पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद संज्ञा होगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विशेषण विशेषण का भी मेल हो जाता है, विशेषण विशेषण का भी मेल हो जाता है, ठीक, वहां पर भी कर्मधारय समास होता है, या संज्ञा संज्ञा का भी मेल हो जाता है, संज्ञा संज्ञा का भी मेल हो जाता है और वहां पर भी कर्मधारय समास होता है, ठीक, विशेषण विशेषण का भी मेल हो जाता है या संज्ञा संज्ञा का भी मेल हो जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने एग्जांपल देखे थे, अगर मैं लिख दूं ऐसे पीला पीला, है ना, पीला पीला, ये भी एक समासिक शब्द है। अब इसमें पीला विशेषण है और पीला विशेषण यानी कि दोनों विशेषणों को हमने किससे, योजक से, हाइफन से जोड़ दिया, तो यहाँ पर इस तरह का जो शब्द युग्म प्रयोग किया जाता है वो भी समासिक उदाहरण होता है, वो भी एक समस्त पद होता है, और इसमें चूंकि दोनों में विशेषण विशेषण है तो ये कौन से उदाहरण में जाएगा,
ये कर्मधारय के उदाहरण में जाएगा। इसी तरह से आपने अभी देखा था, आपने देखा था विद्याधन, देखा था आपने विद्याधन। अब विद्याधन किसके उदाहरण में जाएगा? संज्ञा संज्ञा वाले के उदाहरण में जाएगा, क्योंकि विद्या भी एक संज्ञा है और धन भी एक संज्ञा है। इसी तरह से और भी शब्द हैं, जैसे आपने देखा चंद्रमुख, देखा आपने चंद्रमुख, तो चंद्रम यानी कि चंद्रमा भी एक संज्ञा है और मुख भी एक संज्ञा है, ठीक, तो ये इसमें जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जिसके सामान्य उदाहरण होंगे उसमें विशेषण और संज्ञा का युग्म होगा, विशेषण और संज्ञा आपस में जोड़ी गई होंगी, लेकिन कभी कभी विशेषण विशेषण के युग्म से भी समास बनता है और संज्ञा संज्ञा के भी युग्म से समास बनता है, और ऐसा सभी समासों में होता है। जैसे अगर हम अव्यय भाव समास की बात करें तो अव्यय भाव समास में पहला पद उपसर्ग था या अव्यय था और दूसरा पद क्या थी? संज्ञा थी। ये तो सामान्य है ना, लेकिन सामान्य से इतर अगर हम देखते हैं, सामान्य से अलग अगर हम देखते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी उपसर्ग उपसर्ग का जो जोड़ होता है, उपसर्ग उपसर्ग का जो जोड़ होता है वो भी क्या हो जाता है, वो भी अव्ययी भाव समास में आ जाता है, या कभी कभी संज्ञा संज्ञा का जो जोड़ होता है, संज्ञा संज्ञा का जो जोड़ होता है वो भी किस में आ जाता है, वो भी अव्ययी भाव समास में हो जाता है। जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल अव्ययी भाव समास में देखा था, रातों रात, रातों रात, इसका विग्रह क्या था? रात ही रात में, रात ही रात में, रात ही रात में, तो इसमें पहला शब्द भी रात है और दूसरा शब्द भी रात है, तो पहला शब्द भी संज्ञा है, दूसरा शब्द भी संज्ञा है, तो संज्ञा संज्ञा का प्रयोग इस तरह से अगर किया जा रहा है तो वो अव्ययी भाव समास है। इसी तरह से अगर हम लिख देते हैं पल पल, क्या लिख देते हैं? पल पल लिख देते हैं, तो वो, या फिर हम लिख देते हैं दिन दिन, है ना, दिन दिन मतलब हर दिन, प्रत्येक दिन, इसका मतलब क्या होता है? प्रत्येक दिन, जैसे प्रतिवर्ष था ऐसी प्रत्येक दिन या हर दिन। तो इस तरह से आप बहुत सारे उदाहरण देखेंगे जिसमें संज्ञा संज्ञा का जोड़ होगा या उपसर्ग उपसर्ग का जोड़ होगा, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी कर्मधारय समास की बात करें तो विशेषण विशेषण के जोड़ होते हैं या संज्ञा संज्ञा के कभी कभी जोड़ होते हैं, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। बस ये ध्यान रखा जाता है कि इस्तेमाल उसका विशेषण की तरह हो रहा है, जैसे चंद्रमा के समान मुख, यानी कि मुख की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, है ना, आप पहचानोगे कैसे? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, धन, धन की विशेषता बताई जा रही है कि धन किस प्रकार का है, धन विद्या रूपी है, यानी कि आप संज्ञा से ही क्या कर रहे हैं, विशेषण बना रहे हैं। यहाँ पर है विद्या संज्ञा लेकिन आप उसको विशेषण के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, चंद्र संज्ञा लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं, विशेषण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थोड़ी सी गहरी बात है, जैसे आप बड़े होंगे आपको और समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल इस टॉपिक को मैंने छोड़ा नहीं है, आपको समझा दिया है। ओके, अब बात करते हैं बच्चों हम द्विगु समास की। किसकी? द्विगु समास की। तो आप द्विगु को ऐसे मत लिखिएगा, आप द्विगु को ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है, द्विगु समास। देखिए परिभाषा में क्या लिखा है, जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद कैसा हो, संख्यावाची विशेषण हो, और दूसरा पद क्या हो, वही संज्ञा हो, और समस्त पद किसी समूह का बोध कराए, यानी कि उन दोनों को मिलाकर जो बने वो किसी समूह का बोध कराए, तो वो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है, यानी पहला पद कोई संख्या हो और दूसरा पद कोई संज्ञा हो। जैसे नवग्रह, नव जो है नौ से है, उसका मतलब ग्रह आप जानते ही हैं, प्लैनेट्स, तो ये एक समस्त पद है और जो किसका बोध करा रहा है, एक समूह का बोध करा रहा है, यानी कि नौ ग्रहों का समूह, तो नवग्रह शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। इसी तरह से चार पाई, चार संख्या है और पाई मतलब पैर, तो चार पैरों का समाहार, समूह या समाहार एक ही बात होती है, तो चार पैरों का समूह चार पाई, ये एक द्विगु समास का उदाहरण है। इसी तरह से चौराहा, चार राहों का समाहार, जहाँ पर चार रास्ते आकर मिलते हैं या चार रास्ते जहाँ से निकलते हैं वो चौराहा है। अठन्नी, आठ आनों का समूह, ये द्विगु समास का उदाहरण है। नवरात्र, नौ रातों का समूह। पंच तत्व, पंच तत्व यानी कि पांच तत्वों का समूह, तो जहां पर भी संख्या का प्रयोग होगा पहले पद में वहां पर द्विगु समास होगा, ठीक है। तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, और कौन सा विशेषण, जो गैर संख्यावाची विशेषण है वो, और दूसरा पद संज्ञा, और द्विगु समास में पहला पद विशेषण, कौन सा विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद जो होगा वो संज्ञा होगी,
तो इस तरह से एक बहुत ही छोटे डिफरेंस के साथ आज हमने कर्मधारय और द्विगु समास को सीखा है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अब आप इन दोनों समासों को उनकी डेफिनेशन और उनके उदाहरण सहित अपनी नोटबुक में लिखें और इसी तरह से समास को और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को देखते रहें। मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए अपने चैनल पर अपलोड करती रहूँगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।